दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। बैरिकेड हटाने को लेकर किसान और पुलिस सामने सामने आ गए। ये तस्वीर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां बैरिकेड हटाने को लेकर आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली पुलिस के सामने आ गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस और किसान एक दूसरे के आमने सामने हैं। किसान किसी भी तरह से बैरिकेड को हटाना चाहते हैं ताकि वो दिल्ली में घुस सकें, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें किसी भी तरह से घुसने नहीं देना चाहती। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन उन्हें बैरिकेड हटाने में सफलता नहीं मिली। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है, और इस बीच किसान और दिल्ली पुलिस के जवान एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और वहीं किसानों के मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी गई है, और इसमें किसानों की मांगों को सुनने और कृषि कानून पर एक बार फिर से विचार करने की बात कही गई। अशोक गहलोत ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि केंद्र सरकार तीनों बिलों को किसानों और विशेषज्ञों से चर्चा किए बिना ही लेकर आई है। अपनी चिट्ठी में अशोक गहलोत ने लिखा, विपक्षी पार्टियों द्वारा बिलों को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग को भी सरकार ने नजरअंदाज किया। इन अधिनियमों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है, जिसके कारण किसानों में अविश्वास पैदा हुआ है। इन कानूनों के लागू होने से किसान सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स पर निर्भर रह जाएंगे। सीएम गहलोत ने उस वक्त में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है जब पंजाब हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठ गए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।